हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया हो तो एप्पल को सबसे ज्यादा फॉलो करने वाली दो ही कंपनीज जानी जाती हैं अपने नाम से, एक है ओप्पो और एक वीवो। अगर मैं अपनी राय दूं तो एप्पल को कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते महंगी डिवाइसेस को। ओप्पो और वीवो जो है उनको बजट रेंज में उस तरह की फील या उस तरह की लुक प्रोवाइड करता है। मेरी तरफ से अप्रिसिएशन है दोनों कंपनियों को, जो लोग बजट रेंज जो ये कंपनीज हैं ये आपको बजट रेंज में नॉर्मल प्राइस में ऐसी लुक प्रोवाइड करती हैं। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम ओप्पो के एक फोन को लेके जो लॉन्च होने वाला है उसका कंपैरिजन देंगे आपको वीवो के फोन के साथ, जो वीवो का फोन इंडिया में और चाइना में लॉन्च हो गया, पाकिस्तान में भी रिसेंटली आ जाएगा। ओप्पो का जो फोन है उसको बोलेंगे F7 और वीवो का होगा V9। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको इनकी रिव्यूज या मोबाइल से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ओप्पो के F7 को लेके और वीवो के V9 को लेके कि आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है क्या नहीं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं F7 की स्पेसिफिकेशन की। तो F7 में आपको मिलने वाला है सबसे पहले बात करेंगे एज यूजली प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर ओप्पो एज यूजली देगा आपको मीडिया टेक का, जो कि बना हुआ है हेलियो P60 का। जी हाँ, ओप्पो पहली बार एक डिवाइस में एक प्रोसेसर लेके आ रहा है जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा जीपीयू देखने को मिलेगा माली का G72 MP3 पे। इसके अंदर आपको स्क्रीन डायमेंशन की बात करें तो स्क्रीन डायमेंशन जो मिलने वाली है 6.23 इंच का मिलने वाला है, जो कि 96.9 सेंटीमीटर है। इसके अंदर आपको रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो रेजोल्यूशन मिलने वाली है 1080x2280 पिक्सल की, 1080x2280 की पिक्सल मिलेगी जो कि 405 ppi को सपोर्ट करेगी। गोरिल्ला ग्लास कॉर्निंग 5 मिलने वाला है। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे तो 5.0 यूज करता है ओप्पो अपनी डिवाइसेस में। इसके आप बात करेंगे इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगी, या दो सिम चला सकते हैं या एक सिम एक मेमोरी कार्ड चला सकते हैं। रैम की बात करेंगे तो रैम में आपको मिलने वाला है 6 GB का वेरियंट फिलहाल, हो सकता है ओप्पो भी बाद में 3 GB और 32 GB का वेरियंट लेके आए। बात करेंगे कैमरा की तो रियर साइड पर आपको देखने को मिलेंगे 16+16 MP के डुअल कैमरा, जो कि अपर्चर अभी तक मेंशन नहीं किसी भी साइट पर किया गया। अपर्चर के बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि अपर्चर आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन आपको ये बताते चले कि इसका फ्रंट और बैक कैमरा जो दोनों होगा वो AI सपोर्ट करेगा, AR के साथ आएगा। बहुत सारी आपको अच्छी सेल्फीज मिलने वाली है 25 MP के साथ। जी हाँ, फ्रंट कैमरा जो होगा वो 25 MP का होगा। और बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको मिलने वाली है इसके अंदर 3400 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। चार्जर कनेक्टिविटी मिलेगा आपको अभी भी इस दौर में भी 2018 में भी 2. जी गाइस, बात करेंगे V9 की। वीवो का V9 मार्केट में आपको मिलेगा इंशाल्लाह अप्रैल के पहले वीक में। ये वो डिवाइस होगी जो एक बजट रेंज में आने वाली है, मिड रेंज में आने वाली है पाकिस्तान के अंदर। इसके जो प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस आपको लगभग 35 से 38 हजार रुपए मिलने वाली है। V9 के अंदर आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, इसका रिव्यू माई कार्ड में डाल लेता हूं, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 626, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, जो कि सपोर्ट करता है आपके 2.2 ऑक्टाकोर प्रोसेसर को। इसके अंदर आपको जीपीयू देखने को मिलेगा एड्रीनो 506, माइक्रो एसडी कार्ड आप लगा सकते हैं या दो सिम्स लगा सकते हैं या एक सिम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा 16 MP+5 MP का, जो कि अपर्चर सपोर्ट करते हैं 2.0। जो 5 MP का कैमरा होगा वो डेप्थ इफेक्ट के लिए होगा, HDR मोड सपोर्ट करता है, पैनोरामा फेस डिटेक्शन और बहुत सारी चीजें। बात करेंगे वीडियो की तो बैक कैमरा आपको वीडियो देने वाला है 2160 का 30 FPS पर। जी हाँ गाइस, फ्रंट कैमरे में देखने को मिलेगा आपको बहुत अच्छा सेल्फी कैमरा अपर्चर 2.0 के साथ, जो कि 24 MP का होगा। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी 1080p पर देखने की। और अगर रियर अगर वैसे फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के अंदर आपको मिलने वाला है रियर साइड पर फिंगरप्रिंट लॉक और बैक साइड पर एल्यूमिनियम केस। इसमें एक वेरियंट ऐसा भी आएगा जिसमें आपको 2.5D कॉर्निंग ग्लास मिलेगा बैक साइड पर, जो कि आपको प्रीमियम लुक देता है। बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी इसके अंदर आपको मिलने वाली है 3280 mAh की, चार्जर कनेक्टिविटी मिलेगी 2.0 की। या दोस्तों ये तो हो गई स्पेसिफिकेशन। अगर ऑल ओवर डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस में दोनों ही तकरीबन सेम है, वही नॉच आईफोन को कॉपी किया। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको एक नॉच देखने को मिलेगी 19:9 के रेशो में दोनों फोन मिलेंगे। बैटरी का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक में आपको मिलती है ओप्पो F7 में मिलती है 3400 mAh की बैटरी और वीवो में मिलती है 3280 mAh की बैटरी। दोनों सेम ही पिक्सल सपोर्ट करते हैं 1080x2280 के। डेंसिटी की बात करेंगे तो पिक्सल डेंसिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओप्पो F7 आपको जो मिलता है
वो मिलता है 403 की पीपीआई में और वीवो सपोर्ट करता है 400 की। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो ओप्पो के कलर मच बेटर है एज कंपेयर टू वीवो, लेकिन अगर बजट की बात करेंगे तो वीवो की जो प्राइस होगी वो एक मिड रेंज की प्राइस में आएगा। जैसे लास्ट टाइम वीवो ने लॉन्च किया था V7 प्लस अपना 35,000 से 38,000 रुपए की रेंज में, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। F7 की प्राइस की बात करेंगे तो ओप्पो सबसे पहले लेके आएगा 6GB के वेरियंट को जो होगा 35,000 से 40,000 रुपए की रेंज में। जी हाँ दोस्तों, 6GB लॉन्च करेगा, उसके बाद वो F7 यूथ के नाम से आपको मार्केट में देगा अपना लो वेरिएंट जो कि आने वाला है 3GB 32GB और 4GB 32GB के रोम में। या गाइस, ऑल ओवर अगर बात करूंगा अब मैं अपने ओपिनियन की, तो ओपिनियन मेरा जाता है वोट ओप्पो के साथ, बिकॉज जो स्नैपड्रैगन 626 यूज किया गया है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। ओप्पो ने बेशक मीडिया टेक यूज किया, लेकिन ओप्पो ने पहली बार एक हाई स्केल का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जो कि 10 नैनोमीटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर एक स्केल पर बना हुआ है, और ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। मीडिया टेक ने ये रिसेंटली लॉन्च किया था लास्ट ईयर, तो ओप्पो को थम्स अप है इस बात पर। और अगर डिस्प्ले की बात करूंगा तो डिस्प्ले लगभग दोनों का ही सेम है, लेकिन ओप्पो में अमूमन कलर ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे थोड़ा सा हमें पुराना डिस्प्ले मिल रहा हो। और डिस्प्ले में अगर मैं नंबर दूंगा तो वीवो को दूंगा, क्योंकि वीवो की लास्ट वर्जन में सब में डिस्प्ले बहुत अच्छे थे। तो ये एक पॉइंट जाता है ओप्पो को प्रोसेसर में और एक पॉइंट जाता है वीवो को डिस्प्ले में। अगर बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी में भी मैं ओप्पो को ही वोट दूंगा, दूसरा पॉइंट भी जाएगा ओप्पो को, दो पॉइंट हो गए ओप्पो के। अगर ऑल ओवर प्राइसेस की बात करूं तो दोनों ही तकरीबन लगभग एक में आएंगे, तो दोनों को मेरे अंदर ये ड्रॉ किया जाएगा। चौथे पॉइंट्स की बात करूंगा तो चौथे पॉइंट में मुझे ओप्पो एज कंपेयर टू वीवो जल्दी चार्ज नजर आया अब तक और आगे भी नजर आएगा, क्योंकि ओप्पो जो चार्जर इस्तेमाल करता है साथ बहुत अच्छा चार्जर इस्तेमाल करता है। और अब लास्ट चीज जो होगी, वीवो अब आपको वारंटी देता है 6 माह साल की एक्सेसरीज की या आपको सॉफ्टवेयर की, जो कि ओप्पो नहीं देता। तो ये दोनों में टाई हो जाएगा, तकरीबन एक ड्रॉ हो गया और दो दो पॉइंट दोनों को आए। मेरा पर्सनल ओपिनियन जाएगा हमेशा ओप्पो की तरफ, क्योंकि मार्केट वैल्यू है, आपको रीसेलिंग अच्छी मिल जाती है, आपको वैसे प्राइस फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल जाती है। काफी डिमांडिंग है ओप्पो, तो थम्स अप टू ओप्पो F7। सो गाइज, ये थी आज की मेरी वीडियो, आज का मेरा टॉपिक जो कि मैंने आपको बताना था कि दोनों को डिफरेंशिएट क्या होगा, प्राइस का डिफरेंशिएट क्या होगा या स्पेक्स में डिफरेंशिएट क्या होगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।